मु प्रिया आपण माने मो सह देखुचंती पौराणिक कथा। अक्षय तृतीया रो हिंदू धर्म रे अनेक महत्व रही। अक्षय तृतीया दिन सुना चांदी किणीबा सह कोनोसी कार्यर शुभारंभ करिबा मध्य अत्यंत शुभ बोली मध्य मान्यता रही। मान्यता अनुजाई एहि दिन जिनिस किणीबा पई शुभ मुहूर्त रो आवश्यकता नाही। तेबे एभळि अनेक लोक रही चंदे जेउ माने सुना चांदी किणीबा को कष्टकर होई पड़े एथि पई आउ सेमानको चिंता करिबा को पड़िबो नाही। सुना चांदी व्यतीत एभळी किछि सहज जिनिस विषय रे जानंतु जहाकु किणीबा द्वारा सुना चांदी किणीबा भळि मध्य शुभ फल प्राप्ति होइथाय। मे 10 रे एही वर्ष अक्षय तृतीया पालन करा जीव। एही दिन सुना चांदी व्यतीत आउ केउ जिनिस आनी आपण घरे मां लक्ष्मी को कृपा प्राप्त करिहब जानंतु आज ए वीडियो माध्यम रे। घरे सबुबेले खाइबा पई तयारी करथुवा प्रथम रोटी गाय को खाइबा को दियंतु। एहा द्वारा घरे सुख श्राम समृद्धि बुद्धि होइथाय। घर भितरे व पूजा करथुवा स्थान रे किंबा ठाकुर घरे सबुबेले पानी भर्ती करी कळसटिए रखिबा उचित। एहा द्वारा मध्य घरे सबुबेले पैसा लागी रहिथाय। घरे सबुबेले सुख शांति रो वातावरण रहिबा पई हेले मुख्य द्वार रो डाहाण पाखरे स्वस्तिक चिन्ह टिए निश्चिंत भावरे आंकंतु। घरे जदि औषध रखि थांदी तेबे उत्तर पूर्व कोणरे रखिबा उचित। एहा द्वारा औषधर प्रभाव भल रहिथाय बोली वास्तुशास्त्र कहे। घरर दक्षिण पूर्व कोण को सबुबेले कमला रंग किंबा गोलापी रंग करिबा उचित। एहा द्वारा व्यर्थ खर्च कम होए। घरे केबे भी बुढ़ियाणी बसा हबा को दियंतु नाही किंबा धूली मध्य हेबा को दियंतु नाही। एहा द्वारा अशांति वृद्धि होइथाए। घरे केबे भी सुखी जाइथिबा गच्छ रखिबा उचित नुह एवं लगा जाइथिबा गच्छरे सबुदिन पानी देबा उचित जहां आमको शास्त्र ज्ञान वास्तुशास्त्र वास्तु ज्ञान आमको उपदेश देइथाए। घरे कबाट खोलिला बेले किंबा बंद कला बेले जेपरी कर्क शब्द न हुए सेथिप्रति ध्यान देबा उचित कारण एहा द्वारा अशांति सृष्टि होइथाए। घरे केबे भी दक्षिण को गोड़ रखी सोइबा उचित नुह एहा द्वारा अशांति एवं खराब स्वप्न आसी थाए। घरे सोइना बेले पश्चिम दिग को गोड़ रखी सोइले आध्यात्मिकता वृद्धि पाई थाए मनुष्यर एवं मन मध्य शांत प्राप्ति करी थाए। घरे केबे भी धूप दीप आड़ती मुहरे लिभाइबा उचित नुह एहा द्वारा अशुभ होइथाए। घरे सुख शांति वृद्धि पाई एवं वास्तु दोष दूर करने पाई तुलसी गच्छ लगाइबा उचित एवं प्रत्येक दिन मध्य पानी देबा अनिवार्य होइथाए। प्रत्येक दिन सकाळु सूर्य को जल दान कले एवं ओम आदित्य नम एही मंत्र जप करिबा द्वारा सुख शांति मध्य प्राप्त होइथाए। घरे केबे भी ठाकुर पूजा करिथिबा फूल रखंतु नाही एहाकु नदी जल रे प्रवाहित करि दियंतु एवं एहा करिबा द्वारा मंगल होइथाए। घर ठाकुर घर भितरे ठाकुर को छडा फूल रखंतु नाही आपण बाहर को जागा रे रखंतु। घरे पानी रे लुण पकाई पोछा मारिबा उचित एवं पूजा स्थल सफा सुथरा रखिले घरे शांति एवं समृद्धि वृद्धि होइथाए। जदि रोसेई घर कळा पड़ी जाइथाए किंबा रोसेई घर कांथ फाटी जाइथाए तेबे तुरंत एहाकु ठीक कर दियंतु कारण एहा अशांति वृद्धि करिथाए। घरे धळा रंगर गणेश मूर्ति किंबा चित्र रखिले सुख शांति वृद्धि होइथाए एवं घर लोकक मध्यरे कलह मध्य दूर होइथाए। प्रत्येक दिन सकाळु घरर मुख्य द्वार रे किछि खीर पाणी रे मिसाई छिंचिले घरे सुख शांति वृद्धि होइथाए। घरे रोसे कला बेले प्रथमे गरम कढ़ाई किंबा हांडी रे प्रथमे किछि खीर छिटा मारिबा उचित एहा द्वारा रोग वैराग मध्य जानि रखंतु कम होइथाए। घरर अगणारे अंला गच्छ कदळी गच्छ अशोक गच्छ बेल गच्छ आदि लगाइले घरे सुख समृद्धि वृद्धि होइथाए। वाणिज्य व्यवसाय रे वृद्धि एवं घरे सुख शांति वृद्धि निमित्त 11 टी अभिमंत्रित गोमती चक्र घरे रखिबा उचित। प्रत्येक नवमी तिथि रे अंला गच्छ पूजा करिबा द्वारा घररे सुख बनिकि रहिथाए। घरे श्रीमद भागवत गीतार 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग नित्य करिबा द्वारा सुख शांति मध्य घरे रहिथाए। वास्तु विद्या अनुसार घरर मुख्य द्वार रे केबे भी अळिया गदा करंतु नाही एहा द्वारा पड़ोसी लोकंक सहित शत्रुता आपणकर वृद्धि होइथाए। सूर्य अस्त हेबा परे काहाकु केबे खीर दही पियाज मागिले भी बिल्कुल भी दियंतु नाही एहा घर पई अशुभ होइथाए। घरर छात उपरे केबे भी चाउळ गहम किबा अन्य शस्य एवं बिछणा धोइबा उचित नुह कारण एहा द्वारा ससुर घर लोकंक सहित संपर्क टिके खराब होइथाए।
ଘରେ ପରିବା କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପରିବା ଚୋପା ବାହାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିଥାଏ। ଘରେ ମାସକୁ ଥରୁଟିଏ ମିଶ୍ରିଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରି ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକରି ଖାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ଗାଧୁଆ ଘରେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଲେ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଗାଧୁଆ ଘରେ ବାଲ୍ଟିକୁ କେବେ ବି ଫାଙ୍କା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା। ଯଦି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏକା ସାଥିରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଟିକେ ବାହାରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସହ ସୁକର୍ମା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ତେଣୁ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ନ କିଣି ପାରିଲେ ଏହି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ କିଣନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାରେ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଓ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଣିକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କୋଉଡ଼ି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଣନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ବଜାରକୁ କୋଉଡ଼ି କିଣି ଆଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ପର ଦିନ ଏହାକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ କୋଉଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧି 11 କୋଉଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧି ଆଲମିରାରେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଆଉ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।